सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने एक और प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की आमला सीट से मनोज मालवे को उम्मीदवार बनाया गया है। एकमात्र जो सीट बची थी, 229 सीटों पर कांग्रेस ने सूची जारी कर दी थी, पहली सूची, दूसरी सूची में 229 नाम क्लियर कर दिए थे। 230वीं सीट बची थी बैतूल की आमला, अब बैतूल की आमला सीट भी क्लियर हो गई है। कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है, आपको बता दें, और आमला सीट से मनोज मालवे को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 228 प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने अब तक पूरे 230 विधानसभा सीटों में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो अब कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी रण में अपने सभी योद्धाओं को उतार चुकी है और आमला सीट से मनोज मालवे को उम्मीदवार बनाया है। निशा बांगरे को लेकर अभी तक जो सस्पेंस था, वो सस्पेंस अब थम गया है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, निशा बांगरे का नाम चल रहा था लेकिन उन्हें इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया गया और अब महेश को इनको स्वीकारा गया है, मनोज मालवे को उम्मीदवार बनाया गया है, माफ कीजिएगा। क्या कुछ हुआ जल्दी से बताएं, सभी दर्शक उत्साहित है। स्पर्श, थोड़ा सा तकनीकी समस्या, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक आपको बता दें कि आमला सीट से मनोज मालवे को उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली में क्या कुछ महामंथन हुआ, क्या माथा पच्ची हुई है, हम इसको लेकर अपने सहयोगी स्पर्श शर्मा से जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के संदर्भ में तीसरी सूची जारी करते हुए कांग्रेस ने एकमात्र जो बची हुई सीट थी बैतूल जिले की आमला, वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया है।